नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस पर आज मनाया जा रहा है, और वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। तो आपको बता दें कि देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, और वहीं धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि भी दी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है, और इसको लेकर लखनऊ में भी बीएसपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें आपको कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। मायावती ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है, और इसको लेकर लखनऊ में भी बीएसपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि भी दी है। मायावती ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी लगातार बने हुए हैं। दानिश, भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, आज डॉक्टर साहब का मैं कह सकता हूँ कि संविधान दिवस है, और संविधान को लिखने में इनका महत्वपूर्ण बहुत योगदान था। और आज बसपा कार्यालय पर जैसे कि मुख्य तौर पर मनाया जा रहा है, खुद बसपा सुप्रीमो मायावती मौके पर पहुंची है, और उन्होंने इस पे श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और बसपा कार्यालय में आज जिस तरीके से, मतलब मैं कह सकता हूँ, खुशी का माहौल भी है, वहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में मायावती पहुंची हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और उन्होंने इस चीज को संबोधन भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन जो ये त्योहार है, जो ये आज का दिन है, इस पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं श्रद्धा सुमन। तो दोनों के हिसाब से आज देखा जाए तो आज बाबा साहब का जो आज ये दिन है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माता कह सकते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, और आज भारत में संविधान का पालन होता है। जी, जिस तरह से दानिश, लखनऊ में भी बीएसपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो कार्यक्रम में क्या, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ हो रहा है अभी? देखिए, अभी तो जैसे पता चल रहा है कि बसपा में खुद बसपा सुप्रीमो मायावती जी पहुंची वहां पर, और अभी सतीश चंद मिश्रा अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, हालांकि सतीश चंद मिश्रा की अनुपस्थिति भी कई सवाल खड़े कर रही है। और दूसरा ये कि बसपा के बड़े बड़े दिग्गज भी वहां पर पहुंच रहे हैं, काशीराम पे और माल एवेन्यू के पास ही इनका जो कार्यालय, वहां पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। अभी संबोधन में क्या बोलेंगी मायावती जी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मायावती जब से चुनाव चल रहा है उपचुनाव में, तब से वो खामोश है, और उनको शायद बोलने का मौका आज मिलेगा। यूपी के उपचुनाव में अभी तक बसपा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, और मायावती की तरफ से जो है कोई भी रिएक्शन अब तक नहीं देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और भाजपा के लोग ही रैली और रिएक्शन पर रहे, लेकिन अब ये देखने वाली बात है क्या आज के दिन मायावती जी कुछ बोलना चाहेंगी या वो क्या संबोधन करेंगी, और बसपा यानी कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आज संविधान दिवस पर वो क्या बोलेंगी। जी, दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लखनऊ में पंचायत सदस्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पंचायत सदस्य का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जता दी है। मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रहमत नगर का बताया जा रहा है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर पंचायत सदस्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि ग्रामीण वहां पर मौजूद दिखाई दिए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण जो है वहां पर ग्रामीणों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, पंचायत सदस्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, पूरा मामला क्या है?
आज सुबह जानकारी मिली थी कि गोसाई के अंतर्गत एक पंचायत सदस्य है, उनके पेड़ से लटका हुआ शायद सौ बताया जा रहा मिले, लेकिन अभी पुलिस के पंचनामे में कोई सवाल अभी नहीं आया है। पुलिस ने फिलहाल डेड बॉडी को पंचनामे के लिए भेजा है, लेकिन एक पंचायत सदस्य की अचानक डेड बॉडी मिलती है जो संदिग्धता में, क्या हत्या है या आत्महत्या है, इसकी पुष्टि अभी उलझी नहीं है और अभी इसको सुलझना बाकी है, लेकिन पुलिस ने इसकी डेड बॉडी को पंचनामे के लिए भेज दिया है। लखनऊ में एक पंचायत सदस्य की बॉडी का मिलना इसलिए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है कि अगर ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, तो फिर किसने हत्या कराई है और इसके पीछे राजनीतिक कोण क्या है, और पुलिस पंचनामे के बाद ही कुछ बोलेगी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामे के बाद ही कोई अधिकारी बोलने को तैयार है, हालांकि इस पर कोई भी अधिकारी बोलने को भी तैयार नहीं है। केवल इस बात पे ऐसी पुष्टि की जा रही है कि मामला संज्ञान में आया है और डेड बॉडी को पंचनामे के लिए भेजा गया है। ये सुसाइड है या फिर मर्डर है, इसकी पुष्टि आज शाम तक हो जाएगी, लेकिन एक जिला पंचायत की अगर डेड बॉडी है और उसपे मर्डर है तो ये सोचने वाली बात है। कानून व्यवस्था पर फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में सवाल खड़ा हो गया है, या फिर जिला पंचायत के जो एक सदस्य है, अगर इस पंचायत सदस्य की जो हत्या की गई है अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी क्या होता होगा, और उसकी हत्या के पीछे कारण क्या है ये भी अभी नहीं पता चल पा रहा है। उसके परिजनों का बयान इस पर नहीं आया है, अभी परिजन की प्रतिक्रिया आएगी तभी कुछ पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे का मोटिव क्या है। जी दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कानपुर में पुलिस का वृद्ध महिला को धमकाने और गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा महिला को फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कर रहा है और ये वायरल वीडियो जो है वो कानपुर देहात के गालीबाज दरोगा लक्ष्मण यादव का बताया जा रहा है। और लगातार हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइएगा, और ये मामला वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई या नहीं आई वो भी विस्तार से बताइएगा। देखिए, कानपुर पुलिस मुझे लगता है इन दोनों सुर्खियां बटोरने में बहुत ज्यादा व्यस्त है। व्यस्त इस बात पे है कि पहले दरोगा की पिस्टल और वर्दी चोर चुरा ले गए, उसके बाद कानपुर में सब्जी वाले का तराजू फेंका गया, उसके पैर कट गया और आज ये वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में जो दरोगा है लक्ष्मण यादव, वो एक वृद्ध महिला को गांव के अंदर घुसते धमका रहा है कि मुकदमा लिख दूंगा, जेल भेज दूंगा, चुप हो जा, इस तरीके से बता रहा है कि मुझे भी शर्म आ रही बोलने से, लेकिन कानून के रखवालों को जरा से भी शर्म नहीं आ रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे लगता है खाकी पहनने के बाद एक लाइसेंस मिल गया है, अब भद्रताओं का, बदतमीजी का, उत्पीड़न का, वृद्ध महिलाओं को सताने का, ये खाकी का रौब आखिर किस पर दिखाया जा रहा है? बुजुर्गों पे, वृद्ध महिलाओं पे दिखाया जा रहा है, जिसमें सरकार दावे कर रही है लगातार उस पर दिखाया जा रहा है। सीनियर सिटीजन को सम्मान देने के बजाय अपमान किया जा रहा है। अगर कोई अपराधी है या कोई किसी को लेकर पूछताछ का मामला भी है तो पुलिस में साफ साफ संविधान में लिखा होता है कि उनके और उनके परिवार वालों को नहीं कुछ कर सकते। इस तरीके से अभद्र भाषा के साथ टॉर्चर किया जा रहा है और जो वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है, तो क्या कानपुर पुलिस ने पूरी तरीके से फुल्ली ऑफ लाइसेंस ले रखा है कि संविधान में जो भी मिले उसको उल्टा सीधा कहते रहो? किस बात का फर्जी मुकदमा दरोगा साहब लिखवाने की धमकी दे रहे हैं? आखिर दरोगा साहब के पास कौन से संविधान का ऐसा पावर मिल गया है कि किसी को फर्जी मुकदमा लिख के वो जेल भेज देंगे? तो अगर जब फर्जी मुकदमा लिख के जेल भेज दे रहे हैं तो फिर किस बात के चार्जशीट, और चार्जशीट में क्या दिखाएंगे? इस तरीके से लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कानपुर के साथ साथ पूरे यूपी में पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है कि खाकी पहनने के बाद क्या लाइसेंस मिल जाता है किसी को फर्जी मुकदमे में जेल भेज देने का, उनसे बदतमीजी करने का, अभद्रता करने का? और ये जो सिपाही से दरोगा साहब कह रहे हैं कि इस पर मुकदमा लिख देना चाहिए था, तो क्या उनके पास ऐसा कौन सा पावर आप कलम आ गया है कि सब पर मुकदमा लिखकर वो जेल में डाल देंगे? पुलिस को कौन सा राइट मिल गया है? और पावर देने का मतलब क्या उत्तर प्रदेश सरकार में केवल ये हो गया है कि पुलिस जो चाहे वो मनमानी कर ले? बिल्कुल दानिश, और देखिए दानिश, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं कि महिला बुजुर्ग थी, वृद्ध महिला थी, तो वृद्ध महिला है तो उससे महिला पुलिस कर्मी है जो वो पूछताछ करेगी, और वहां पे पुरुष पुलिसकर्मी वो पूछताछ कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आर्मी जो देश की सेना में सुरक्षा में बलिदान दे रही है उससे ज्यादा खौफ होता है खाकी का, और खाकी का जो मैसेज जाता है वो समाज में जाता है। देश में जो आर्मी है वो तो सेना पे लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है बड़ा ही नाम बटोर रही है, सुर्खियों में चमकने की आदत थी उत्तर प्रदेश की पुलिस को हो गई है। कस्टोडियल डेथ की बात की जाए तो नंबर वन, क्राइम हीनेस की बात की जाए तो नंबर वन, और किसी को फर्जी मुकदमा फंसाने की बात की जाए तो नंबर वन, कानपुर पुलिस नंबर वन है। मुझे लगता है कानपुर पुलिस के सारे अब खरबूजा देख के रंग पकड़ने लगेगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी पुलिसकर्मी है वो कानपुर के इन दरोगा साहब को देखेंगे तो वो भी रंग भाट चुलबुल पांडे और मैं कह सकता हूँ सिंगम गुरु अपना लेंगे, लेकिन महिला पुलिस की मौजूद ना गैर मौजूदगी एक ये भी सवाल खड़े कर रही है।
कि आखिर महिला पुलिस वहां पर नहीं है तो उन्होंने किस तरीके से बुजुर्ग कराया है, कोई अपराधी है या किसी को पूछताछ के लिए भी गए हैं, किसी को गिरफ्तारी पकड़ने भी गए हैं, तो ये उनको अधिकार नहीं है कि किसी महिला को वो गाली देंगे और खास करके उसको धमकाएंगे, फर्जी मुकदमा जेल भेज देंगे। तो फर्जी मुकदमा जो जेल भेज रहे हैं तो फिर संविधान ने नियम क्यों बनाया, चार्जशीटें क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या फर्जी मुकदमे वो चार्जशीट में कोर्ट में जवाब दे पाएंगे? जी बिल्कुल दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो कानपुर से बता दें आपको खबर थी, जहां पर बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस वृद्ध महिला को धमकाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कानपुर में महिलाओं को वोट डालने से रोकने पर एएसपी संसार सिंह पर धमकाने का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। आरोप है कि एएसपी संसार सिंह ने अब्दुल्ला आजम के साथ पत्रकारों को भी धमकाया है। आपको बता दें कि रामपुर के एएसपी संसार सिंह ने कई साल पहले एक अखबार को ब्यूरो चीफ को थप्पड़ भी मारा था। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार दानिश वारसी बने हुए। दानिश, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइएगा। देखिए, अभी हाल ही में ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुआ है और समाजवादी पार्टी के साथ तमाम लोगों ने इसको टैग किया है, और हालांकि मतदान भले ही थम गया हो लेकिन उसकी आग धीरे धीरे उबल रही है और कुछ सच्चाई वीडियो के सामने आ रहे हैं। देखिए, अब्दुल्ला आजम रामपुर में कभी विधायक हुआ करते थे और उनके साथ में पत्रकार है जो एएसपी सामने बताया जा रहे हैं, ये संसार सिंह है। अब ये नहीं पता कि ये दुनिया के संसार में है या इनके साथ पूरा संसार जुड़ा हुआ है। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पर पीड़ित महिलाएं अपने मतदान को लेकर के जब वहां पर पहुंची थी, उन्होंने अपनी आपबीती बताना शुरू की। एएसपी जिसमें अब्दुल्ला आजम भी साथ में खड़े थे और एक मीडियाकर्मी खड़ा था, उसके सामने बताने का प्रयास किया कि हमको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। उसके बाद अब्दुल्ला आजम ने इनसे सवाल किया कि आखिर पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि वो उनको वोट चेक करेंगे, उनको डालने नहीं देंगे। जिस पर एएसपी सामने खड़े सभी वो मीडियाकर्मी उनसे माइक लेकर के पूछने का प्रयास करने लगा, इससे आग बबूला हो गए एएसपी साहब, और एएसपी साहब ने हाथापाई करते उसको ढकेल दिया। जब सूत्रों से जानकारी ये मिली तो पता चला कि एएसपी साहब किसी अखबार की ब्यूरो चीफ को भी थप्पड़ मार के अपना रुतबा दिखा चुके हैं। तो जिस तरीके से एएसपी संसार सिंह का ये जो मामला सामने आया है, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में छोटे अधिकारी नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारी भी बेलगाम है और उन्होंने वर्दी का दुरुपयोग, किस तरीके से पावर का जो मिसयूज किया जा रहा है उस तरीके से सामने दिखाया जा रहा है। और मतदान के अंदर जो मत अधिकार है वो मतदाताओं को छीनने का प्रयास किया गया, और मतदाता मैं कह सकता हूं कि उनके पास अगर कोई अधिकार है तो वो मत का अधिकार है, अगर वही उनसे छीन लिया जाएगा। वो आप नीति बता रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों को मामले को तूल नहीं बल्कि बीच का रास्ता निकाल करके कंप्रोमाइज के तहत काम करना चाहिए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। जैसा कि प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वगैरह कहता है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कर रहा है, लेकिन इस तरीके से वरिष्ठ अधिकारी मामले को तूल देने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार गिरेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की व्यवस्थाओं पर चरमरा रही है। जी बिल्कुल दानिश, एएसपी का अगर वीडियो वायरल होता है और अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, इसको लेकर क्या अभी तक टिप्पणी किसी की आ पाई है सामने? नहीं, देखिए, वीडियो का संज्ञान लेना ना लेना वो तो प्रशासन और सरकार का काम है, लेकिन जिस तरीके सोशल साइट पर ये वीडियो वायरल हो गया और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने इस वीडियो को लगाया है, और जाहिर सी बात है कि ये वीडियो उनके संज्ञान में होगा। ऐसा नहीं कि जब आम पब्लिक के संज्ञान में ये बात आ चुकी है तो मुझे लगता है कि वहां के प्रशासन और शासन के संज्ञान में ये बात आई होगी, लेकिन जिस तरीके से अधिकार छीनने का जो प्रयास किया गया है वहां पर जो महिलाएं थी, पहली बात तो एएसपी साहब को सुनने का प्रयास करना चाहिए था कि वो महिलाएं आखिर कहना क्या चाह रही हैं, उनकी बात को तवज्जो देना चाहिए था, लेकिन उस तवज्जो को ना देकर के वहां पर सामने जब अब्दुल्ला आजम ये बात बोले कि किसने अधिकार दिया इनको वोट न डालने का, इस पर वो भड़क गए, और भड़कने के बाद फिर वो सामने जो मीडिया कर्मी थे तो उनसे वो उलझ बैठे। उलझने के बाद जब उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि इससे पहले भी कई मामलों में सामने आया, और ये भी पता चला है कि एक स्थानीय कोई ब्यूरो चीफ पत्रकार थे किसी दैनिक पेपर के, उनको भी थप्पड़ मारने के आरोप में ही घिरे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर एएसपी जब ऐसी हरकत करेंगे तो फिर निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, दरोगा हैं या इंस्पेक्टर हैं, उनको पूरा मौका मिलेगा कि जब बड़े साहब ही ऐसा कर रहे हैं तो हम लोगों को तो खुली छूट है। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो रामपुर से आपको खबर बता रहे थे जहां पर महिलाओं को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया गया है। बता दें आपको कि एएसपी संसार सिंह को धमकाने का वीडियो जो है उनके धमकाने का वो लगातार वायरल भी हो रहा है और महिलाएं लगातार आरोप लगाती हुई भी नजर आ रही। हरदोई में शहरवासी नगर पालिका का गृह और जलकर का बकाया जमा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। 8,000 परिवारों पर नगर पालिका का
3.50 करोड़ बकाया है और पालिका ने 125 बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर टैक्स जमा करने की हिदायत दी है। वहीं इसके लिए कई टीमों को भी लगाया गया है। नगर पालिका परिषद हरदोई की आर्थिक रूप से हालत खराब है, आय नहीं होने के चलते नगर के विकास कराने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला ने निर्देश पर पालिका कर्मी बीते दिन माह में से बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर रहे थे। पालिका ने 10,000 रुपये से ज़्यादा के करीब 125 बकायेदारों की सूची तैयार कर इन्हें नोटिस थमा दिया है। ये ऐसे लोग हैं जो कई सालों से गृह और जल कर जमा नहीं किया है और इन पर 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का बकाया है। पालिका की ओर से नोटिस मिलते ही बकायेदारों में हड़कंप मच गया है। इस मामले पर अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला का कहना है कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर नोटिस भेजे जा चुके हैं और इसके साथ ही बकाया वसूली को लेकर कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। नोटिस के बावजूद बकाया जमा न करने पर बकायेदारों से राजस्व की भांति वसूली होगी। नगर पालिका का जो है लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर जो है टैक्स जो है नागरिकों पर और प्लस सरकारी विभागों पर बकाए हैं, जिसमें हम लोग निरंतर जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं और मैंने जो है नोटिस भी जारी कर दी गई है। 10,000 से ऊपर जिन लोगों के बकाए हैं उनको नोटिस भी भेजी गई है कि आप शीघ्रतम जमा करें, नहीं तो RC की कार्रवाई कर दी जाएगी। संबंधित जो सरकारी विभाग हैं उन्हें भी नोटिस भेजी गई है कि वो अपने बजट में प्राविधान करके हमारा जो भी पैसा है उसे तत्काल हमें दें, जिससे हम नागरिकों को और अच्छी सुविधा दे सकें। चूँकि शासन के भी कड़े निर्देश हैं कि वसूली करके नगर पालिका की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, 125 बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है, पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दें ये पूरा मामला हरदोई नगर पालिका का है। यहाँ पर 8,000 परिवारों पर गृह और जलकर का करीब 3.50 करोड़ बकाया है, जबकि करीब 125 बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर टैक्स जमा करने की हिदायत भी दी गई है। इसको इसके लिए टीमों को भी जो है लगाया गया है। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नगर पालिका का 3.50 करोड़ बकाया है और इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, इस पर कुछ टिप्पणी अभी तक सामने आ पाई आसे? इसमें अधिकतर 125 जो है वही अधिकतर उन्हीं से ज्यादा बकाया है और बाकी जो है उनका नाम मात्र हल्का थोड़ा बहुत बकाया है। तो हालांकि ये जो बकाया इससे नगर पालिका में जो काम होना है उसमें दिक्कतें हो रही हैं, वो काम नहीं नगर पालिका परिषद करा पा रहा है। रोड बनने हैं, गलियां बननी हैं और भी जो है ये सब काम नहीं हो पा रहा है। ये अगर मिल जाता तो उनका अपना काम हो जाता। जी, और ये भी बताया जा रहा है आसिफ के जो बकाया वसूली को लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और नोटिस के बावजूद बकाया जमा न करने पर बकायेदारों से राजस्व की भांति वसूली होगी, ऐसा इसको लेकर क्या अभी तक मामला सामने आया? जी हाँ, नोटिस जारी की गई है और टीमें भी लगाई गई हैं। अगर नहीं जो है अभी देते हैं तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी मोहम्मद आसिफ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक दिसंबर से टुंडला नगर पालिका में स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले 16 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और धरना कर रहे लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मांगों में महंगाई भत्ता, बकाया बोनस, रोके गए वेतन का भुगतान आदि मांग शामिल है। मामला टुंडला नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, जहां 1 दिसंबर से स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले 16 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है और धरना प्रदर्शन में स्थायी संविदा और सेवानित्य और ठेका कर्मचारी शामिल है। धरना प्रदर्शन पर बैठे नगर पालिका कर्मचारियों ने पालिका अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और 16 सूत्रीय मांगों में महंगाई भत्ता, बकाया बोनस, रोके गए वेतन का भुगतान आदि कई मांगें शामिल है। बता दें आपको कि कर्मचारी महासंघ के लोगों का कहना है कि जब तक
प्रशासन उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। फिलहाल 6 दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों के किसी भी बड़े अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली है। हमारी 16 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जट्टा जी हो गया है कि इन लोगों ने हमारे सफाई कर्मचारी और जलकल के कर्मचारी, गड्ढा खोदने वाले मिस्त्री, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर सबके जैसे 15,000 रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलने चाहिए तो उसे 1,700 रुपये दिए। ड्राइवर को 11,000 रुपये मिलने चाहिए तो उसके खाते में 7,000 रुपये डाले। तीसरे मिस्त्री को 11,600 रुपये मिलने चाहिए, उसे 8,900 रुपये दिए। ऐसी स्थिति ने पैदा करी, लाखों रुपए का घोटाला इस नगर पालिका के अधिकारियों ने, बाबुओं ने ठेकेदारों से मिलकर 2018 से लेकर अब तक किया है। रुड़की में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि इलाज में गड़बड़ी के कारण 7 महीने की गर्भवती महिला और आज जन्म में बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया है। वही हंगामे को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ फरार चल रहे हैं। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने में जुटी हुई है और आरोप है कि महिला को ओवरडोज देने से मौत हुई। सोचने वाली बात यह है कि मौत बांटने अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग खामोश क्यों है? आखिर ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी? मामला कलियर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ रुड़की से हमारे सहयोगी शहजाद राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला है कलियर थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर देखा जाए तो दर्जनों हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं और उनके पास जो देखा जाए तो काफी बार उन पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन अभी तक किसी अस्पताल को सील नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो कोई भी डॉक्टर वहां पर डिग्री, जिनके पास डिग्री होती है MBBS डॉक्टर नहीं बैठते और कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर वहां पर इलाज करते हैं। उसी को देखते हुए वहां पर एक महिला को रात जो कबीर हॉस्पिटल है उसमें एडमिट किया गया था, जो 7 महीने की गर्भवती महिला थी और उसको कहीं ना कहीं जो परिजनों का आरोप है कि ओवरडोज इंजेक्शन दिया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और वहीं जो परिजन है उन्होंने वहां पर हंगामा काटा हुआ है और जो पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने मामले को शांत कराया और महिला का पंचनामा भर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और वहीं आगे ही कार्रवाई की जाएगी। जी, जिस तरह से शहजाद तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि वहां पर भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है, वहीं परिजनों का रो रो का बुरा हाल भी है, तो अभी हंगामा शांत करवा दिया गया है या हंगामा अभी भी जारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी हंगामा जो है लगातार जारी है और वहीं पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और देखा जाए तो जो वहां पर स्टाफ डॉक्टरों का स्टाफ था वो वहां से डॉक्टर सभी फरार हो चुके, कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जिसको लेकर परिजनों का कहना सीधा सा आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई और उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा था उसकी भी मौत हो चुकी है। उसको देखते हुए परिजनों की मांग है कि इन डॉक्टरों की जो है छानबीन की जाए कि किस तरह यहाँ पर ये ओवरडोज दी गई है और जो जिस डॉक्टर को बताया जा रहा है वो डॉक्टर जो है टंकी वाले के नाम से मशहूर है और उनके पास कोई भी किसी तरह की डिग्री नहीं है, जो कि यहाँ पर आकर ऑपरेशन भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी देते हैं। जी शहजाद, परिजनों, जो मृतक के परिजन है उनकी क्या कुछ मांगे हैं? हम बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, परिजनों के जो मृतक के परिजन है उनके साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर ये हॉस्पिटल खोले गए हैं उनकी आपको सरकार से गुहार है कि इनकी जो है छानबीन कर उनकी कार्रवाई की जाए कि किस तरह से ये संचालित किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चिकित्सा अधिकारी है वो कहीं ना कहीं नींद में है और उनको नींद से जगाने के लिए परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो रुड़की से खबर है जहां पर डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही 7 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई है। फिलहाल बता दें कि मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है और वहीं डॉक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल हंगामा अभी भी जारी है और वहां पर स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी देखी जा रही है।
उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा टूम में एवलांस हादसे में एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल और पर्वतारोही नवमी रावत की मौत हो गई थी और जिसे जिले के युवा इन दोनों पर्वतारोहियों को अपने आइकॉन मनी आइडल हैं मानते हैं। उनकी याद और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में चित्रकार मुकुल बडोनी ने नवमी रावत पर्वतारोही सविता कंसवाल और नवमी रावत की पेंटिंग बनाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।